नमस्ते विद्यार्थियों, अगला मोस्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को सिद्ध करने में यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी हो एवं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक बराबर दो पी होगा। ये सवाल हमें प्रूव करना है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर तो पी दे रखा है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू दे रखा है और प्रूव करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक बराबर दो पी। तो देखिएगा इस सवाल को सिद्ध करने के लिए इसका बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष लेने पर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक। अब देखना क्योंकि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर तो पी दे रखा है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू दे रखा है तो यहाँ पे क्यू की जगह हम लिख सकते हैं या रख सकते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर। तो पी का मान जो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक। अब इन सवालों को सिद्ध करने के लिए साइन और कोस के अलावा जो भी थीटा है उनको चेंज कर दीजिए साइन और कोस के पदों में। हम जानते हैं कि सेक का फॉर्मूला एक बटे वा कोस होता है और कोसेक थीटा का फॉर्मूला एक बटे वा साइन थीटा होता है और इस कोष्टक को हल करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा सेक की जगह एक बटे वा कोस थीटा रख दिया प्लस कोसेक की जगह एक बटे वा साइन थीटा रख दिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी तो दो गुणा साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा और माइनस ए। यहाँ कोष्ट को हल करना है तो इसके लघुत्तम आ जाएंगे साइन थीटा कोस थीटा। साइन से कोस कट गया साइन बचा साइन को एक से गुणा किया साइन थीटा फिर साइन से साइन कट गया कोस थीटा बचा कोस थीटा को एक से गुणा किया कोस थीटा हो गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक हो गया एक प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा और माइनस एक। एक से एक कट गया साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा तो बचा दो गुणा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा को सबसे पहले क्या बोला था पी तो यहाँ पर लिख दिया पी तो दो इंटू पी तो दो पी हो गया। इस प्रकार से क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक बराबर दो पी सिद्ध हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा में आने की 100% चांस है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझे। दोबारा से देखिएगा सिद्ध करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक बराबर दो पी। क्यू की जगह अपन रख सकते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और पी की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक। हम जानते हैं कि इन सवालों को सिद्ध करने के लिए साइन और कोस के अलावा जो भी थीटा है उनको चेंज कर दीजिए साइन और कोस के पदों में। सेक थीटा बराबर एक बटे वा कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर एक बटे वा साइन थीटा हो गया। ये रख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो दो गुणा साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक। देखिएगा साइन से सॉरी कोस से कोस साइन को एक से गुणा किया साइन थीटा साइन से साइन कोस को एक से गुणा किया कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह एक रख दिया एक प्लस दो साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक। एक से एक कट गया साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू यहाँ पे बचा दो तो देखिए दो इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह पी रखना है तो दो इंटू पी तो दो पी। इस प्रकार से ये सवाल प्रूफ हो जाता है। इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें। जय हिंद जय भारत। नमस्ते विद्यार्थियों, इसी चरण में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस एक अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा होगा। तो देखिएगा इस सवाल में ये बायां पक्ष हो जाएगा या दायां पक्ष हो जाएगा तो बायां पक्ष लेने पर पी स्क्वायर माइनस एक अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक। अब यहाँ पे
p की जगह हमें रखना है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, तो p की जगह रख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन, यहां पे भी p की जगह है sec थीटा प्लस tan थीटा रखना है का होल स्क्वायर प्लस a। अब हम जानते हैं कि इन सवालों को प्रूफ करने के लिए, सत्यापित करने के लिए साइन और कोस के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय मान है उन्हें बदल देंगे एक ऐसे सूत्र में जिनमें साइन और कोस काम में आता हो। तो sec थीटा और tan थीटा दो वैल्यू काम में आ रही है, तो sec थीटा का फॉर्मूला एक होता है cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहां पे sec थीटा किस पे रख दिया 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan किस पे रखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन, यहां पे भी sec किस पे रखना है a अपॉन cos थीटा प्लस tan किस पे रखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कपून है। अब देखना इस कोष्टक को हल करेंगे इन दोनों के लघुतम आ जाएंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा लघुतम कोस में कोस का भाग एक बार एक को एक से गुणा किया एक प्लस कोस में कोस का भाग एक बार एक को साइन से गुणा किया साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक बटे वाई अपॉन, जिसमें भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा लघुतम कोस cos थीटा में cos थीटा का भाग एक बार एक को एक से गुणा किया एक प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक बटे वाई। अब देखिएगा आगे होल स्क्वायर चारों को जाएगा एक प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे वाई अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे वाई। अब इन दोनों के लघुतम आ गए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग एक बार एक को एक से गुणा किया एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक में कोस स्क्वायर का भाग कोस स्क्वायर भाग एक से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इसी प्रकार से लघुत्तम आ जाएगा नीचे वाले हल का cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग एक बार एक को इससे गुणा किया एक प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक में cos स्क्वायर का भाग cos स्क्वायर भाग cos स्क्वायर को एक से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे देखिएगा एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस टू ए बी दो गुणा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ए एक प्लस दो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि ए की जगह पर लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए, यहां पर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक प्लस दो साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल साइन स्क्वायर दो साइन स्क्वायर थीटा हो गए प्लस दो साइन थीटा एक और एक दो हो गया
एक प्लस दो साइन थीटा, ऊपर कॉमन आ गया दो साइन थीटा, तो यहां पे बन जाएगा साइन थीटा प्लस एक, यहां दो कॉमन आ गया तो एक प्लस साइन थीटा, एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कैंसिल, दो से दो कैंसिल, क्या बचेगा साइन थीटा। इस प्रकार से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल को आप बारी बारी से निकालें, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से है, सभी विद्यार्थियों को मेहनत करनी है इस प्रश्न के ऊपर। जय हिंद जय भारत। नमस्ते विद्यार्थियों, अगले चरण में हम एक और बढ़िया सवाल लेके आए हैं आपके सामने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, निर्देशांक ज्यामिति से है। आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये पांचों जो सवाल लिखे हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई एक सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष बिंदुओं ए 3-5 एवं बी -4-7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। पांचों जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझना है ताकि आगामी बोर्ड की जो परीक्षा है वो अच्छी तरह से हो पाए। ज्ञात कीजिए कि रेखा, दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1.1 एवं 5-7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 11.9 एवं 1.2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, बिंदुओं -5, -4 एवं -2, 3 को अंतर विभाजित करता है और पी का मान भी ज्ञात कीजिए। 6.8 एवं 2.4 को के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये पांचों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थियों को ये पांचों प्रश्न बखूबी लिख लेने हैं और इनकी तैयारी करनी है ताकि आप परीक्षा में 6 अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिएगा, एक एक करके मैं इन प्रश्नों को बताना चाहूँगा, हर चरण में आपको बखूबी पढ़ना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष बिंदु 1, B जो है उसको मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिएगा, तो एक्स अक्ष तो माना कि एक्स अक्ष ए 3-5 एवं बी -4.7 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में या m1 / m2 में विभाजित करता है। मान लेते हैं सबसे पहले कि x अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 / m2 में विभाजित करता है और ये अनुपात हमें ज्ञात करना है m1 / m2। तो देखिएगा, ये दो पॉइंट है ए 3-5 और ये बी -4.7 एक्स अक्ष विभाजित करता है। मान लीजिए वो बिंदु पी है, उसके निर्देशांक हो जाएंगे x.0। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है तो उसके निर्देशांक हमेशा x.0 होते हैं, सभी को मालूम है। तो देखिएगा, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र, देखो y का मान 0 आ रहा है तो y का सूत्र रख देंगे m1 y2
प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू वाई की जगह जीरो हो जाएगा। एम वन ज्ञात करना है वाई टू हो जाएगा सात, एम टू ज्ञात करना है वाई वन जो होगा वो माइनस पांच हो जाएगा अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसके नीचे एक है वजन प्राप्त कर लेंगे इसको इससे जीरो अपॉन वन बराबर सात को एम वन से गुणा करेंगे सात एम वन प्लस माइनस माइनस पांच एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू वजन गुणा हो जाएगा। इसको जीरो से गुणा करेंगे जीरो सात एम वन माइनस पांच एम टू बराबर जीरो हो गया। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे सात एम वन बराबर पांच एम टू, एम टू इधर आ जाएगा सात उधर चला जाएगा एम वन अपॉन एम टू बराबर पांच अपॉन सेवन। तो जो एम वन अनुपात एम टू है वो हो जाएगा पांच अनुपात सात। तो एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को पांच अनुपात सात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी इस प्रश्न की तैयारी करें। जय हिंद जय भारत। अगला जो अपना मोस्ट क्वेश्चन है देखिएगा विद्यार्थियों, याद कीजिए कि रेखा एक्स प्लस वाई बराबर चार बिंदु माइनस एक कोमा ए एवं पांच कोमा सात को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, सभी को ध्यान से देखना है। तो कोई भी रेखा कोई भी बिंदु विभाजित करता है तो सर्वप्रथम माना जाता है, माना कि रेखा एक्स प्लस वाई चार बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात एक में विभाजित करती है। तो विभाजन देखिएगा ये दो पॉइंट है ए माइनस एक कोमा ए, बी हो जाएगा पांच कोमा सात और एक्स प्लस वाई बराबर चार की जो बिंदु स्थित है उसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई के अनुपात एक में विभाजित करता है। मान लिया ये भाई के अनुपात एक में विभाजित करता है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स बराबर विभाजन सूत्र अपन जानते हैं एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और वाई बराबर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब देखिएगा एक्स बराबर एम वन किस गए एम वन किस गए सॉरी के और एक्स टू किस गए पांच प्लस एम टू किस गए एक और एक्स वन किस गए माइनस एक अपॉन एम वन के एम टू एक। इसी प्रकार से वाई बराबर एम वन तो हो जाएगा के वाई टू हो जाएगा सात प्लस एम टू हो जाएगा एक और वाई वन हो जाएगा एक अपॉन के प्लस वन। पांच को किससे गुणा किया पांच के प्लस माइनस माइनस एक को एक से गुणा किया ए अपॉन के प्लस ए बराबर वाई वाई बराबर सात के प्लस ए अपॉन के प्लस ए। ये जो बिंदु है इसको एक्स और वाई जो निर्देशांक वो रेखा पर स्थित होंगे। तो रेखा है एक्स प्लस वाई बराबर चार, हम यहाँ पे एक्स की जगह रख देंगे पांच के माइनस एक अपॉन के प्लस ए और वाई की जगह रख देंगे सात के प्लस एक अपॉन के प्लस ए बराबर चार बटे वाई। दोनों के लघुत्तम आ गए के प्लस एक, के प्लस एक से के प्लस एक एक बार कट गया एक को एक से गुणा किया पांच के माइनस एक के प्लस एक में के प्लस एक का भाग एक बार हो जाएगा और इससे सात के प्लस एक से गुणा किया तो सात के प्लस एक बराबर चार बटे वाई। प्लस का एक माइनस का एक कट गया प्लस का एक माइनस का एक सात के और पांच के बारह के हो गया अपॉन के प्लस एक बराबर चार बटे वाई। वजन गुणा कर लेंगे बारह के को एक से गुणा किया बारह के चार को के से गुणा किया चार के चार एकम चार प्लस चार चार के का इधर पक्षांतर कर देंगे बारह के माइनस चार के बराबर चार हो जाएगा। बारह के में से चार के गया तो आठ के बच गया बराबर चार, ये आठ गुणांक में है तो भाग में आ जाएगा तो के बराबर चार बटे आठ हो गया चार के पारे से कट जाएगा चार एकम चार चार दूनी आठ। तो इस प्रकार से के का जो मान है वो एक बटा दो प्राप्त हो गया। जो हमें अनुपात चाहिए अभिष्ट अनुपात हमने माना था कि अनुपात एक के की जगह रखेंगे बटेवा दो अनुपात एक वजन गुणा कर लेंगे तो एक एकम एक और दो को एक से गुणा किया तो दो। इसी प्रकार से किसी भी रेखा के द्वारा बिंदुओं का विभाजन किया जा सकता है।
और विभाजन निर्देशांक प्राप्त किए जा सकते हैं।